ये समझ में आना चाहिए फर्स्ट एड क्या होता है ना। तो फर्स्ट एड में ये है, कोई भी आकस्मिक रूप से बीमार हो जाए या किसी को चोट लग जाए, सडनली कोई बीमार हो गया या चोट लग गई, तो उसको जो हम प्राथमिक उपचार देंगे उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार, किसी भी आकस्मिक रूप से किसी की तबीयत खराब हो जाए या चोट लग जाए तो उसको तात्कालिक रूप से जो आप उपचार देंगे वो होता है प्राथमिक सहायता उपचार। उसमें हमारे पास ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ARTP पर है, ARME पर भी है ना। इसमें क्या क्या है, जब भी आप बीमार होंगे तो आपके पास इसमें पैरासीटामोल गोली है, डॉक्टर की मदद उससे लेंगे, प्लस एक लेनी या आधी लेनी जो भी है। इसमें डाइजीपाम टेबलेट है, जो घबराहट में आपकी हार्टबीट ज़्यादा बढ़ती है, घबराहट होती है ऐसे में ब्लीडिंग हो गई ज़्यादा, तो तब दी जाती है वो, ज़्यादा आदमी परेशान ना हो, उससे थोड़ा नशा आएगा आपको, थोड़ा सा आप मतलब रिलैक्स फील करेंगे। दो टैबलेट हैं बस, पैरासीटामोल और डाइजीपाम, ठीक है। एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, जब कभी ब्लीडिंग वगैरह हो, कहीं घाव हो जाएगा आपके, तो उसको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम। तो पहली बात, जब भी आपको कहीं अचानक बीमार हो गए या कोई चोट लग गई, बीमार हो गए तो पैरासीटामोल या डाइजीपाम है, इसमें दो टैबलेट। कहीं चोट लग गई तो सबसे पहले आपको चोट लगेगी तो मैंने बताया था ब्लीडिंग को रोकना है, हाथ पैर में कहीं भी चोट लग सकती है तो ब्लीडिंग होगी तेज, है ना, ब्लीडिंग रोकना है। सिर में कहीं चोट हो तो मैंने बताया था यहाँ पर आप इसके यहाँ पर एक कैरोटिड आर्टरी होती है उसको रोकोगे आप, है ना। अगर हाथ में चोट है तो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर इसको ऐसे दबा दोगे हाथ से, हाथ से दबाते तो ठीक है, नहीं तो एक ट्रंकेट रबर ट्रंकेट है भी हमारे पास, है ना, इससे आप इसको रोक दोगे। एक आदमी ये काम करेगा, एक दो आदमी, दूसरा आदमी एम्बुलेंस को कॉल करेगा, इससे बांधोगे इसको कस के, हाथ से रोकते तो सही है, नहीं तो इसको इससे इसको खींच के बांधोगे, इधर का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। यहाँ आपका हर्ट है, हर्ट इधर भी ब्लड ले जाता है, बाजुओं में भी नीचे भी, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जाएगा तो कैसे जाएगा, इसके थ्रू, यहाँ जाएगा तो इसके थ्रू इसको बांध दोगे, नीचे नीचे वाले पैरों में जाता है तो यहाँ पर रहती है, यहाँ पर भी नहीं मिलती, अगर नीचे चोट है कहीं तो यहाँ पर उसको ब्लॉक कर दोगे। उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर भी घाव है उस पर पहले तो बैंडेज, तो पट्टी है तुम्हारे पास, उसके ऊपर रुई रख के पहले तो साफ करोगे, एंटीसेप्टिक क्रीम है ऐसी, इसमें एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, दिखा रहा हूँ, ये एंटीसेप्टिक क्रीम है। सबसे पहले घाव को साफ किया जाता है जिससे उसके अंदर गंदगी न रहे, साफ कर लिया उसको, फिर एक बैंडेज लोगे, उसके ऊपर रुई रख लोगे, उसको उसको दबाओगे, थोड़ी देर दबाओगे जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। बैंडेज से पहले ये लगा लोगे आप, या तो घाव साफ करते समय भी लग जाती है बस, और नहीं तो बैंडेज पे ये लगा लोगे एंटीसेप्टिक क्रीम, है ना, उसको फिर पुश करोगे थोड़ी देर, फिर उसको ऐसे बांधोगे जैसे यहाँ चोट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके बैंडेज बांध दो, ठीक है। ये तो हो गया, जब कभी चोट लग जाएगी तो ध्यान रखना ब्लीडिंग बंद होनी चाहिए, नहीं तो मूर्छित हो जाएगा आदमी, ज़्यादा ब्लड लॉस कर जाता है आदमी का तो मूर्छित हो जाता है आदमी, है ना, फिर उसको ब्लड भी देना पड़ेगा अलग से और इलाज तो करना ही पड़ेगा उसका। अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे पास स्प्लिंट्स हैं, है ना, अगर ये हैं तो सही है, नहीं है तो आप मान लो इसमें फ्रैक्चर हो गया, तो जहाँ फ्रैक्चर हुआ है उस जॉइंट पे मतलब मूवमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ फ्रैक्चर हो गया तो इस हड्डी में, इस हड्डी में अगर मूवमेंट होगा दर्द होगा, सूजन होगी, मसल्स में भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो पहले से उसको सीधा करके कम से कम दो, नहीं तो तीन चार चार बांधते ऐसे करके, फ्रैक्चर हो गया एक ऊपर और एक नीचे, दो भी ले सकते, दो से भी काम हो जाता, लेके बैंडेज से बांध दो, है ना, अगर ये हैं तो, नहीं है तो उधर वाले हाथ से बांध दो, इससे बैंडेज से बांध दोगे इसको, इससे मूवमेंट नहीं हो। अगर मान लो इसको बांध दिया उसके बाद भी अगर ये ऐसे ही लेके चल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने बताया था एक स्लिंग और लगाते, इसको बांधने के बाद इस ऐसे बांध दोगे, ऐसे करके बांध दोगे इसको, फिर यहाँ से एक कपड़ा लेके इनकी गर्दन में, इसमें मूवमेंट नहीं होगा तो इसमें दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो फ्रैक्चर होगा तब इस बांधने के लिए हमारे पास क्या है, ये कपच्ची, दोनों तरफ बांधोगे, हिंदी में कपच्ची बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लिंट बोलते हैं, और ऐसे बैंडेज से बांध दोगे, और फिर ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर है या जो भी है डॉक्टर को आप जल्दी से जल्दी दिखाओगे, ब्लीडिंग